हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कल एक वीडियो डाला था मैंने जिसमें कि मैंने बताया था कि ये व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आपको पूरी तरीके से हेल्प नहीं करते हैं। आपकी जो मेन हेल्प स्टडी में होती है वो आप खुद हैं। जब तक आप अपनी किताबों से दिल का रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, आपको यूट्यूब की वीडियोस, व्हाट्सएप की मटेरियल्स, टेलीग्राम के ग्रुप कोई फ़ायदा नहीं करेंगे। और अगर रिसेंटली तुरंत इनसे जुड़ के आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपका घाटा ही होगा, क्योंकि ये चीज़ें पूरे दिन का टाइम खा जाती हैं। ये चीज़ मैंने बताई थी, इसे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे कमेंट किए। एक कमेंट आया था कि आपने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो मैं बता दूं कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, मैंने बंद कर दिया इसी सब के लिए कि खुद की भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, दूसरे को भी हम भ्रम में डालते हैं कि वो इस पे निर्भर हो जाता है। किसी को किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, अपनी किताबों पर निर्भर रहें। कोई भी एग्ज़ाम हो, किताब सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए एक वीडियो और कल शाम को मैंने डाला था, वो था जो अभी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है मेडिकल का, NEET नेट, उसके ऊपर एक सर से मिला था मैं, उन्होंने कुछ बताया। उसकी मैं वॉइस क्लियर नहीं था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो सब समझ चुके हैं। उनके साथ एक वीडियो और होगा जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, 12th जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं नेट के लिए, जिनको साइंटिस्ट, डॉक्टर वगैरह बनना होता है, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है उसके लिए, वो अच्छे से एक वीडियो फिर से आएगा, उसमें बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आप नेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो आप क्लियर कर पाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेगेटिवनेस आपके अंदर दबा के भरी होती है, क्योंकि आप हर फील्ड में फेल हुए हो कभी ना कभी। कुछ लोग होते हैं फेल होने के बाद उस चीज़ को याद नहीं रखते, फॉरगेट कर देते हैं कि चलो एक एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसको याद ही नहीं रखते कि उन्होंने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया था, वो अगले एग्ज़ाम की ओर बढ़ जाते हैं और उसको क्रैक कर ले जाते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो पहले एग्ज़ाम को भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जब दूसरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भी पहले एग्ज़ाम की यादों को दिमाग में बैठा के रखते हैं कि हाय राम, इतना मुश्किल फ्रैक्शन था, जीके का वो क्वेश्चन तो साला कहीं किताबों में ही नहीं था, रीजनिंग के ये चीज़ तो कभी हमने पढ़ी नहीं, वो चीज़ को लेके दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो वो तो घाटा ही करेगा भाई, आपने उससे हार्ड हार्ड चीज़ उठा ली। ये कभी सोचा है कि जो हार्ड, जिसकी वजह से हम फेल हुए हैं, वो चीज़ हमारे साथ दोबारा दूसरे एग्ज़ाम में नहीं होने वाली है, वही क्वेश्चन हार्ड वाले नहीं आने वाले हैं, शायद कुछ और हो जाए, शायद आसान एग्ज़ाम बन जाए, या पेपर बहुत आसान सेट हो जाए, वो सोच के आप तैयारी नहीं करते हो, जिसकी वजह से फुल कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपनी किताबों को पूरा नहीं कर पाते हो। किताबें मैं बता ही चुका हूँ कौन कौन सी किताबें आपको लेनी है। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, अभी यूपी पुलिस का मैंने किताब बता दिया है आपको, उस पर निर्भर रहो और कहीं भी निर्भर मत रहो। कितने भी ग्रुप हो, कितने भी टेलीग्राम हो, कितने भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, नहीं दिलवा सकता, नहीं दिलवा सकता। आपकी खुद की मेहनत आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। एक और बात बताऊंगा इस वीडियो में कि स्पेशली रेलवे के लिए, जो रेलवे की जो प्रिपरेशन हो रही है अभी, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो लोको पायलट टेक्नीशियन का हो, तो आपने अभी तक ये चीज़ सोची थी कि रेलवे जब एग्ज़ाम लेता है तो जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेट वाइज, स्टेट लेवल के नहीं देता है ज़्यादातर, क्योंकि हर जगह के बच्चे उसमें बैठते हैं, तो वो एक इंटरनेशनल लेवल की जीके, मतलब हमारे नेशनल लेवल की जीके ही बनाता है। लेकिन इस बार हो सकता है कि वो जिस भी जोन से एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, वो उसी जोन के स्पेशलिस्ट पेपर बने, उसी स्टेट से स्पेशल जीके पूछे, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, बहुत बड़े लेवल पर होगा, तो अगर आप टोटल भी संख्याएँ निकालेंगे क्वेश्चंस की, तो ज़्यादा नहीं है क्वेश्चंस हमारे पास जीके के, मैथ के। और इसी चीज़ का आप लोग फ़ायदा ये सोचते हो कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, पुराने ईयर के सेट लगा लो तो काम बन जाएगा, ये तो है, पुराने ईयर्स के पेपर सेट कर लो, क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि रेलवे इतना टाइम क्यों लगा रहा है, रेलवे इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ये चीज़ संभावित है, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो संभावित है कि रेलवे एग्ज़ाम, रेलवे भी सेट करता है अगर उसको एग्ज़ाम लेना है। ऐसा नहीं है आज उसने नोटिफिकेशन निकाला, कल एग्ज़ाम है, तो कल ही के दिन वो पेपर बनाने बैठा। पेपर सेट बहुत दिन पहले से होते हैं, पेपर में कौन से क्वेश्चन आने चाहिए, पेपर का लेवल क्या बनाना है, ये बहुत पहले ही तय हो जाता है। तो आपको सतर्क हो जाना है कि रेलवे को भी पता है कि हमारे कौन से क्वेश्चन कब आए हैं, कौन से क्वेश्चन को कब देना है, किस क्वेश्चन में क्या हेर बदल करना है। अगर किसी क्वेश्चन में हेर बदल होता है तो वो
रिपीटेड क्वेश्चन जो आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपकी हेल्प करेगा बुक का पूरा थॉट। अगर आपने किसी मौर्य साम्राज्य का पूरा आगे से पिछला पढ़ लिया है तो वो रिपीटेड होगा तो फ़ायदा है, रिपीटेड नहीं होता अगर उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं तो आपने मौर्य साम्राज्य तो पूरा दिमाग में चिपका रखा है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए छोटे से छोटे आदमी का भी नाम पूछेगा फटाफट आप क्लिक कर सकते हो और आगे निकल सकते हो। मैथ की रही बात तो मैथ तो भैया वही चीज़ होती है, टफ़ और ईजी और मॉडरेट, ये तीन लेवल होते हैं। तो मैथ तो आपको नॉर्मली वही, वो तो आपको पुराने पेपर सेट भी करने हैं प्लस नया भी सीखना है, नया जो एग्ज़ाम हो रहा है SSC CGL वगैरह के सेट भी अगर लगाइए लगा सकते हैं, MTS भी लगाइए तो आप रेलवे ग्रुप डी वगैरह या फिर लोको पायलट टेक्नीशियन नॉर्मली निकाल सकते हो। लेकिन ये मत इस पे निर्भर मत रहना कि पुराने पेपर जैसा ही पेपर हो जाएगा और हम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, टाइम के हिसाब से सब कुछ चेंज हो रहा है। मेरा कपड़ा गिर गया यार, टंगा था इधर। तो बस इस वीडियो में यही बताना था, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट लाइक, डोंट फॉरगेट कमेंट, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर ऐसी चीज़ों को रोज़ देखना है, रोज़ समझना है। एंड एक चीज़ मैं बताता हूँ, यू विल डू इट, अगर आप कर सकते हो तो, अगर आप सोचेंगे तो ही कर सकते हो, अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए ना कि भैया YouTube चैनल से हम पढ़ाई करेंगे, YouTube निकालेगा, YouTube से कहीं नोट्स मिल जाए, YouTube से कहीं ट्रिक मिल जाए, तो नहीं होगा, और ये टाइम आपके पास वापस नहीं आएगा। प्लीज़ अपने ऊपर निर्भर हो जाइए, किताबें लाइए, लुईस एंड खरीदिए, RS अग्रवाल, मैथ मिरर, लुईस एंड की रीजनिंग, ये जितनी भी किताबें मैं बताता हूँ आप ज़रूर खरीदिए, ये मस्ट हैं किताबें। इनके अलावा अगर आप कहीं और सोर्स से कुछ करते हैं तो नामुमकिन है, मुश्किल है कि आप कट ऑफ के लेवल तक जा पाए। मेहनत जो बंदे लगते हैं वो अजीब नहीं होते हैं, उनसे कभी आप इंटरव्यू करना, उनसे पूछना कि भाई आप किस तरीके से सेलेक्ट हुए थे, वो बताएंगे, अपनी मेहनत बताएंगे, मैंने RS अग्रवाल कितनी बार लगा दिया डाली, कितने प्रैक्टिस सेट लगा डाले, दिन में कितनी बार पढ़ता था, वो लोग सेलेक्ट होते हैं, ना कि वो लोग जो सिलेक्टेड बंदे कभी नहीं बताएंगे कि हमने YouTube से पूरी अच्छी तैयारी करी है। YouTube से होती है लेकिन किताबें ज़रूर लेनी पड़ेगी आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।